स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल, लेकर हाजिर हूं देश का सबसे बड़ा बहस का शो देश को जवाब दो। आज देश का सवाल है, क्या टिकैत एंड कंपनी जी हिंदुस्तान की सच्ची पत्रकारिता से डर गई है? क्या टिकैत के कथित लठैत टोल टेरर पर फिर देश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं? क्या यूपी में राजनीतिक एंट्री के लिए टिकैत एंड कंपनी के लिए टोल टेरर फैलाना जरूरी है? इन सब में सबसे बड़ा सवाल एक ही, क्या टिकैत के उनके समर्थकों को सच से डर लगने लगा है? क्योंकि आज टिकैत की सोशल मीडिया टीम ने जी हिंदुस्तान को धमकी देते हुए एक ट्वीट लिखा, जिसमें लिखा था कि अब जी हिंदुस्तान के ऑफिस के बाहर धरना होगा, अब किसान जी हिंदुस्तान को पत्रकारिता सिखाएंगे। तो मैं उन सब से, गौर से सुन लीजिएगा, मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि आप हमारे दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करिए, आप हमें डराने की कोशिश करिए, लेकिन हम सच्चाई से पीछे नहीं हटने वाले। हम हर कीमत पर सच को देश के सामने लाएंगे। हमें डराने की कोशिश मत करिएगा टिकैत जी, क्योंकि हमारा संवाद राष्ट्रवाद है, आप लोगों की तरह देश के खिलाफ साजिशें करने का नहीं। आप लाल किला कांड करिए, बॉर्डर पर महिलाओं के साथ छेड़खानी करिए, दिल्ली को बंधक बनाइए, खालिस्तानी फंडिंग से सरकार के खिलाफ साजिशें रचिए और हम सच ना दिखाएं। ये ना हुआ है ना होगा। अब यूपी में टोल पर कब्जा क्या आपकी राजनीतिक साजिश नहीं है? तो टिकैत एंड कंपनी होशियार, आपका सच देश के सामने हम लाएंगे, हम ही लाएंगे, और इसी मुद्दे पर आज बड़े पैनल के साथ बहस करूंगी। लेकिन सवाल सुन लीजिए, क्या जी हिंदुस्तान की सच्ची खबरों से डर गई है टिकैत एंड कंपनी? आखिर सच दिखाने पर टिकैत को मिर्ची क्यों लगती है? देश के टोल प्लाजा पर कब्जा आपने क्यों जमाया? यह भी सवाल है कि क्या यूपी में टोल पर कब्जा राजनीतिक साजिश नहीं है? और सरकार से बात नहीं करनी थी तो भैया चिट्ठी क्यों लिखी? आप क्या जताना चाहते हैं? आप चिट्ठी लिखिए और कहिए, देखिए सरकार से फिर बातचीत शुरू होनी चाहिए, फिर आप खुद कहिए कि सरकार अगर बातचीत नहीं भी करती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोगली बातें आपके मुंह से खुद आप कहें और हम सच भी ना दिखाएं, ये तो नहीं चलेगा। अहम ये भी है कि हर रोज ट्विटर पर हमें आप गाली देते हैं, फेसबुक पर मुझे आप थ्रेट करते हैं, ये भी लिखते हैं कि आप हमारे ऑफिस के बाहर आकर धरना देंगे। तो इन सब से कुछ नहीं होने वाला। आप टोल पर कब्जा जमाएं, आप रेलगाड़ी को रोकें, आप सड़कों पर प्रदर्शन करें, आप लोगों को परेशान करें, लॉकडाउन में भी आप ये कहें कि हम इकट्ठा होकर किसान आंदोलन को करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसे हम और आप सभी फॉलो करें तो अच्छा है, लेकिन उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल को थ्रेट करेंगे, आप ये कहेंगे कि हम आकर आपको पत्रकारिता सिखाएंगे, तो कृपया करके आप पहले अपने गरेबान में झांक लीजिए। आप जिस महत्वाकांक्षा और जिस मंशा के साथ, जिस मकसद के साथ देश के ही खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, उसे तो हम पर अपने नहीं देंगे। इसीलिए मैं नकाब करूंगी, सवाल पूछूंगी, ना तो आपसे डरती हूं ना आपके किसी और गुर्गे से डरती हूं। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद डिबेट की शुरुआत। साजिश के आंदोलन का सच दिखाया, लाल किला कांड की सच्चाई बताई, साजिश की फंडिंग के सबूत दिखाए, खालिस्तानी साजिश का सच भी दिखाया, घड़ियाली आंसुओं का सच सामने लाए, महिलाओं से छेड़छाड़ का सच दिखाया, किसान आंदोलन के नाम पर की जा रही हर काली करतूत को सबूत के साथ देश के सामने जी हिंदुस्तान ने रखा।
जी हिंदुस्तान की पत्रकारिता और सच्ची खबरों से राकेश टिकैत और उनके समर्थकों में खौफ है। इसी खौफ की वजह से वो लोग अब जी हिंदुस्तान को धमकी दे रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत की मीडिया सेल ने सार्वजनिक मंच यानी सोशल मीडिया पर धमकी देते हुए लिखा है कि जी हिंदुस्तान न्यूज चैनल के प्रति देश भर में किसानों और युवाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। किसानों का कहना है कि अगला धरना इस न्यूज चैनल ऑफिस के मुख्यालय पर होगा। किसान पढ़ाएंगे पत्रकारिता का पाठ, दिखाएंगे किसान एकता की ताकत। टिकैत जी एंड कंपनी जी हिंदुस्तान पत्रकारिता के क्षेत्र में एक मिसाल है और इन धमकियों से डर कर वो सच नहीं दिखाएगा, ऐसी गलतफहमी आप मत पालना। टोल प्लाजा को या इसको करने से, कानून को अपने हाथ में लेने से कोई मकसद हल नहीं हुआ करते। मैं किसान भाइयों से फिर से कहूंगा कि आप अन्नदाता हो और आप वार्ता के द्वार खुले हैं, आप वार्ता करो बजाय किसी चीज को अपने हाथ में लेने के। जी हिंदुस्तान सच की आवाज है, राष्ट्र का संवाद है, टिकैत का लठैत नहीं है जो आंख बंद करके भरोसा कर ले। और भाई एक संवैधानिक अधिकार है अपनी बात रखने का, हम ट्विटर पर रख सकते हैं, धरना दे के रख सकते हैं। राजनीति कोई नहीं है मैडम, केवल किसान का शोषण है। अब एक नया कानून कल की थी और देखो। जी हिंदुस्तान राकेश टिकैत से कुछ सवाल पूछना चाहता है कि आखिर सच दिखाने पर उन्हें मिर्ची क्यों लगती है? क्या गलत को गलत कहना गुनाह है? हमारा बॉर्डर सील क्यों किया? देश की राजधानी को बंधक क्यों बनाया? देश के टोल प्लाजा पर कब्जा क्यों जमाया? और रही बात धमकी की, तो टिकैत जी हिंदुस्तान सीधे और साफ शब्दों में कहना चाहता है कि जी हिंदुस्तान देश के हित में हमेशा कवरेज करता रहेगा, क्योंकि हमारा संवाद राष्ट्रवाद है। देश का सवाल भी यही है, क्या जी हिंदुस्तान से डर गए टिकैत के डकैत? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डिबेट में मेहमानों से मिलवाऊं, लेकिन उससे पहले वो ट्वीट मैं जरा पढ़ के आपको सुनाना चाहती हूं जो आज खासकर टिकैत जी के सोशल मीडिया सेल को चलाने वाले उस हैंडल से ट्वीट डाला गया था। इसमें लिखा है, उसको डिलीट कर दिया गया बाद में, उसमें लिखा जी हिंदुस्तान जैसे न्यूज चैनल के प्रति देश भर में किसानों और युवाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। किसानों का कहना है अगला धरना न्यूज चैनल के ऑफिस के मुख्यालय पर होगा। किसान पढ़ाएंगे पत्रकारिता का पाठ, मोदी मीडिया को दिखाएंगे किसान एकता की ताकत। और उसके बाद इसे डिलीट कर दिया गया। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है सब लोग सुन रहे थे। आरपी सिंह साहब बीजेपी से हैं, प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, परपीत बरार जी हैं राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ, ममता काले जी जुड़ी हुई राजनीतिक विश्लेषक, मास्टर श्योराज जुड़े हुए किसान नेता, और मेरे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड पर मौजूद हैं। अभिषेक दुबे मेरे साथ टोल दौराला टोल से हैं और हितेन मेरे साथ लाल किले से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मास्टर श्योराज जी बहुत बहुत नमस्कार सर, बहुत दिनों बाद मिल रही हूं, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा मिलके इस बारे में ये पूछकर कि आखिर इस ट्वीट का मतलब क्या समझूं सर, क्यों डरा रहे हैं आप? सच दिखाने से दिक्कत क्या है? और ये आप कैसे कह सकते हैं कि हम वहां पर धरना देंगे? ये थ्रेट, ये धमकी क्यों, क्या जरूरत है? मैडम धन्यवाद आपको। मैं भारतीय किसान लोक शक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, एक जिम्मेदार संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कोई हल्की बात नहीं कहूंगा। हमारे देश में संविधान में मीडिया और कोर्ट स्वतंत्र है, मीडिया की पत्रकारिता स्वतंत्र है, और मीडिया आज वो चीज है आदमी को चर्च से अर्श में पहुंचा दे, अर्श से चर्च में पहुंचा दे। ना तो मीडिया को आज तक किसी ने धमकाया, ना मीडिया को कोई धमका सकता। अगर किसी ने ट्वीट किया और वो अपनी गलती मान करके उसने उसको डिलीट कर दिया है तो उसकी मानता है, उसको डिलीट तो उसने कर ही दिया तुरंत ही, इशू तो वो रहा नहीं जिसने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। भाई आंदोलन है, आप कह रही है दिल्ली को बंधक बना रखा है किसानों ने, किसानों ने बंधक नहीं, 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 नहीं बना रखा भाई साहब, सुनिए किसानों ने तो आपने अपनी बात रख दी, आपने लाखों लोगों को ये कह दिया कि हम वहां पर धरना दे देंगे, आपने एक मैसेज छोड़ा उसके बाद आपने डिलीट मार दिया। नहीं मीडिया पे कौन मैडम धरना देगा, मीडिया तो आज सबसे बड़ी ताकत है देश की। मुझे सुनिए ना सर, ये तारीफों के पुल आप बांधे ना बांधे, मीडिया की ताकत सब जानते हैं, लेकिन मीडिया ही वो ताकत है जो सच दिखा सकती है। किसान आंदोलन का सच दिखाया, किसान आंदोलन का हर एक वो पहलू दिखाया जो दिखाना वहां पर जरूरी था,
किसानों से बातचीत की, किसानों को माइक तक थमा दिया कि अपनी बात सरकार तक पहुंचा दीजिए। नतीजा क्या निकला 26 जनवरी? नतीजा क्या निकला कि आज आप टोल पर कब्जा करें? नतीजा क्या निकला वहां महिलाओं के साथ छेड़खानी होती रही? वो तो किसान नहीं हो सकता। अगर उन किसानों के बीच में से उन नकली किसानों को पकड़ के सामने ले आए तो आप मुझे थ्रेट करेंगे? माधुरी जी, मैं ये कह रहा हूं, मैं शुरू में ये कह रहा हूं, कोर्ट और प्रेस हमारे संविधान में स्वतंत्र हैं। आप जो आप मीडिया को उचित लगता है वो मीडिया करती है, जो मीडिया को लिखना होता है वो लिखती है, जो छापना होता है वो छापती है, जो बोलना होता है वो बोलती है। मीडिया पर ना हमारी पाबंदी है ना देश के कानून की पाबंदी है, मीडिया स्वतंत्र है। लेकिन कहीं 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 ना कहीं जैसे आप कभी कभी लिख देते हो मेरी बात को, अन्यथा मत लेना, टिकैत के डकैत या लठैत, कुछ शब्द ऐसे होते हैं आदमी को मानसिक पीड़ा कर गए हैं, किसी को हो सकता है मानसिक पीड़ा करके उसने लिख के डिलीट कर दिया तुरंत, तो इसका मतलब वो ये मान गया भाई मीडिया को मुझे नहीं लिखना चाहिए। नहीं बिल्कुल, भाषा तो सर आपसे सीखनी चाहिए ना, जब वो क्या बक्कल उखाड़ देंगे, क्या लत्थे फाड़ देंगे, कुछ ऐसा ही था ममता काले, कुछ ऐसा ही था मैडम जी। मैंने ये कह रहा हूँ माधुरी कलाल जी, माधुरी कलाल, मैं भूल नहीं सकती ना, मैंने तो कवरेज किया है किसान आंदोलन को अच्छे से, मैं कैसे भूल सकती हूँ ये सब? बिल्कुल, आप माधुरी जी आप नहीं भूल सकती, आपकी कलीग्स नहीं भूल सकती, क्योंकि उनके साथ वहां पर दुर्व्यवहार था। मास्टर जी कृपया मुझे बोलने दीजिए। अब मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ कि गिरगिट महासभा के अध्यक्ष से डॉन तक का राकेश टिकैत का जो सफर है उसको पूरा विश्व देख रहा है। आज पहले इन्होंने जब ये फार्म बिल आए तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया और बोला कि आदरणीय महेंद्र टिकैत जी का जो सपना था वो पूरा हो गया, जो सौतेला व्यवहार किसानों के साथ इतने सालों से चल रहा था वो खत्म हो गया। और उसके बाद अचानक से वही काले कानून इनको काले नजर, वही जो कानून थे वो काले नजर आने लगे और इन्होंने ये बात बोली कि सारे कानून जनता जनार्दन यानी कि जो किसान है हिंदुस्तान का उसके विरोध में है। गिरगिट से भी तेज इन्होंने रंग बदले माधुरी उस वक्त। उसके बाद आप देखिए ये वो आंदोलन है जहां पर एक बच्ची का रेप हो गया, ये वो आंदोलन है जिसमें 26 जनवरी के दिन एक ऐसा शर्मनाक मंजर देखा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते स्वतंत्र भारत में। लाल किले में हमारे देश के संविधान को, हमारे तिरंगे को अपमानित किया गया, हमारे बॉर्डर जिस तरीके से दिल्ली के जाम करके दिल्ली की जनता को परेशान किया गया, त्राहिमाम किया गया, अश्लीलता वहां पर की गई, जिस प्रकार से मदिरा और मांस का सेवन किया गया, जिस प्रकार से पत्रकारों को, महिला पत्रकारों को आपके चैनल से धमकाया गया, जिस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया गया, जिस प्रकार का राजनीतिकरण इस पूरे पूरे के पूरे आंदोलन का किया गया, कलकत्ता तक ये पहुंच गए, अब ये आ गए हैं किस पर, टोल प्लाजा पर, और टोल प्लाजा के बाद डायरेक्ट धमकी दे दी जी हिंदुस्तान को कि हम भैया टोल प्लाजा पे भी, मतलब यूपी के टोल प्लाजा में मैं तो परपीत बरार जी भी जुड़ी हुई, ममता जी के सामने लाइएगा, शिवराज जी वापस आ रही हूँ सर, ममता जी के सामने लाइएगा परपीत जी को, बरार जी बहुत स्वागत है आपका। ये सच्चाई दिखाने वालों से डर क्यों लगता है, मीडिया से क्या दिक्कत? माधुरी कलाल जी, माधुरी कलाल जी, देश का शिवराज जी, आ रही हूँ सर वापस। मीडिया से किसी को दिक्कत नहीं है माधुरी जी, मैं तो आपको बेनती करूंगी, मैं आपकी अभी चर्चा सुन रही थी कि आप कहती हैं आप सच की आवाज उठाती हैं, तो आप क्यों नहीं किसानों की आवाज उठा रही? आप उठाइए ना, हम लोग इतने 6 महीने से किसान वहां पे बैठे हुए हैं मैडम, तो एक एक सच दिखाया ना, एक एक सच दिखाया, इसीलिए तो ये सुनना पड़ रहा है कि हमारा आक्रोश आपके प्रति बढ़ता जा रहा है, अब आपके अगला धरना आपके ऑफिस मुख्यालय पर होगा, तभी तो ये सुनना पड़ रहा है ना। मिर्ची क्यों लगती है टिकैत गैंग को, सच से मिर्ची क्यों लगती है मैडम, सच से मिर्ची क्यों लगती है? उसकी सच्चाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपके ही मुंह से आपकी शुरुआत में ये बात कही कि आप सच दिखाती हैं, तो आपका अगर चैनल सच दिखाता है तो मैं आपसे विनती करूंगी कि आप सच दिखाइए कि मोदी जी की जो सेंटर में केंद्र में सरकार बैठी हुई है वहां पर लग रहा है कि गलत दिखाया जा रहा है, जो चीजें होती हैं बॉर्डर में वो डायरेक्ट दिखाई जाती है, उनका डायरेक्ट टेलीकास्ट किया जाता है, उनको मॉक करके तो नहीं दिखाया जाता कि रिकॉर्डिंग कर ली जाती हो, वीडियो मॉक होते हैं दिखाया जाता है, जैसा कि आप लोग नहीं किसानों को कहा। एक मिनट ममता का, एक मिनट परपीत बरार जी, आप बहुत एकदम क्रिस्प नहीं, आप बहुत ज्यादा उसको अच्छे से समझा रहे हैं, क्या मतलब क्या समझाना चाहती है? मैं तो ये पूछ रही हूँ कि देश के टोल प्लाजा पर कब्जा करो,
देश में रेलगाड़ी रोक दो, सड़कों पर प्रदर्शन करो, लॉकडाउन है, कोरोना की महामारी सब झेल रहे हैं, लेकिन उसमें भी आप ब्लैक डे मनाओ। अगर आपको कह दें कि भाई साहब अभी रुक जाइए, आप लोग बातचीत के जरिए इस पर बात करिए, आगे बढ़िए, लेकिन नहीं, प्रदर्शन करेंगे, महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है तो उस पर भी आकर सफाई दे देंगे, वहां माफी भी मांग लेंगे, रो भी लेंगे, ये सब ड्रामा क्यों 26 जनवरी को? मतलब ऐसा दिन जब मैं और आप सिर्फ और सिर्फ तिरंगे की बात करते हैं, कल ही सोमवार के दिन चार्जशीट दाखिल हुई है जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि सौदेबाजी हुई थी तिरंगे की, उस पर खुलासा हुआ। अब आप ये समझा दीजिए ना, अगर ये सच दिखा दिया तो मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची किसी को नहीं लग रही है, हम लोग तो खुद ही बात करना चाहते हैं। हम लोगों को कौन सा शौक है कि वहां पे अपने बच्चे अपना परिवार छोड़ करके बैठे, कोई वहां पे बैठना नहीं चाह पा रहा है। हम लोग भी चाहते हैं, राकेश जी के दो तीन दिन पहले किसी चैनल पर बैठकर कह रहे थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी बात करेगी सरकार तो कोई बात नहीं, नहीं भी बात करेगी सरकार तो कोई बात नहीं, एक तरफ चिट्ठी लिखते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं नहीं भी बात करेगी तो कोई बात नहीं। नहीं, इनसे ये भी तो पूछा जाए ना कि बात क्या करना चाहते हैं, किन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, कौन से विषय हैं जिन पर बात करना चाहते हैं। आप एमएसपी पर बात करना चाहते थे ना, एमएसपी की समस्या का तो समाधान हो गया, इस वर्ष तो पिछले वर्ष से ज्यादा खरीदी एमएसपी पर हुई है, किस चीज पर आप बात करना चाहते हैं, आप बताइए ना, कौन सा काला शब्द उसमें लिखा गया है, किस बारे में बात करना चाहते हैं। और बहन, आप मुझे ये बताइए, आप एक महिला, मैं एक महिला, माधुरी जी एक महिला, जब एक लड़की का वहां पर रेप हुआ, 25 वर्ष की लड़की जिसको लेकर के आया था संयुक्त किसान मोर्चा अपने साथ कोलकाता से, उस समय आप लोग कोई नहीं दिखाई दिए, आपने नहीं बोला कि चढ़ूनी और राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव के तत्वाधान में जो ये हुआ है, इतना बड़ा खतरनाक जघन्य अपराध, एक बच्ची के साथ जिसकी मौत हो गई है, वो निंदनीय है, और ये खेल तमाशा जो है इसको बंद किया जाए। जिस प्रकार से कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उस बारे में आप लोग कोई कुछ बोलते हुए नहीं सुनाई देते। आप लोगों को क्या आज तक दुख नहीं होता है कि 26 जनवरी के दिन हमारी मैडम, आपको और सच सुनना है, आपको और सच सुनना है तो एक मिनट आप सुनिए, सुनिए पहले जो मैं कह रही थी ना कि सच दिखाती हूँ उसका उदाहरण देती हूँ, हम लोग कैसे काम करते हैं। मैं यहाँ सिर्फ बैठ के बात नहीं कर रही हूँ, मैंने जो भी बात रखी वो उस चार्जशीट के हवाले से रखी कि कैसे और क्यों वहां पर सौदेबाजी तक हुई, तिरंगे की सौदेबाजी। शर्म आनी चाहिए वैसे लोगों को जो उसका समर्थन आज भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुनिए मैडम, सुनिए मैंने ग्राउंड पर जाकर कवरेज की है और आज भी 3 रिपोर्टर मेरे ग्राउंड पर खड़े हैं, कोरोना की इस महामारी के इस मौके पर भी 3 लोग वहां खड़े हैं। मैं हवा हवाई बात नहीं करती, अभिषेक दौराला टोल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, टोल पर कब्जा जमाने की साजिश, हालात देख लीजिए, आप लोगों के साथ कितना समर्थन है, दिखाइए तस्वीर, सुबह से क्या हालात है वहां पर। बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं दौराला टोल पे मौजूद और यहाँ पर स्थिति देखिए, यहाँ पर जो कुछ हमारे बुजुर्ग किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ उधर बैठे हुए हैं, लगातार ये लोग चाय पी रहे हैं और सुबह ये काफ़ी संख्या कम थी लेकिन शाम को ये संख्या बढ़ जाती है। कोरोना की वजह से ये लोग कहते हैं कि प्रोटोकॉल थोड़ा सा मेंटेन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, थोड़ा भीड़ जुटाते नहीं है क्योंकि लगातार यहाँ पर सीओ और एसएचओ का दौरा होता रहता है, वो हाथ जोड़कर मेरे सामने कह रहे थे कि थोड़ा सा प्रोटोकॉल मेंटेन करिए। आप वहाँ पर गाड़ियों का भी रेला देख सकते हैं, जो गाड़ियाँ पुलिस की लगी हुई हैं जिसमें एसएचओ की गाड़ी, सीओ की गाड़ी, एसडीएम की गाड़ी, ये तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो रेगुलर यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं, एलआईयू के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है ताकि अगर स्थिति बिगड़ती है तो कुछ ना कुछ माधुरी किया जाएगा। वाटर टैंक लगा दिया गया है, तमाम यहाँ पर जो किसान आपको देख रहे होंगे वो 60 से ऊपर के किसान यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, बाबू जी ये जो संख्या है ये संख्या इतनी कम क्यों है, संख्या तो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। ये तो कम इस वजह से होगी तो फिर मैं देखते आप ज़्यादा थी, अब कम कर दी हमने सुबह को फिर ज़्यादा हो जाएगी, ये तो कम थी बत्ती होती रहे, कोविड-19 चल रहा है उसकी वजह से कम है, ज्यादा संख्या बुला नहीं रहे हम। इनसे पूछिए कि क्या किस मंशा से यहाँ पर बैठे हैं, मकसद बताए ना, टोल पर कब्जा करने से इनकी बात मानी जाएगी, पूछिए इनसे। देखिए स्टूडियो से सवाल है कि आप यहाँ पर बैठे हैं मंशा क्या है, टोल पर कब्जा क्यों किए हुए, देखिए एक तरीके से नुकसान कर रहे हैं आप देश का। नुकसान नहीं कर रहे हम तो अपने टोल पे बैठे, टोल का कोई नुकसान नहीं कर रहे हमें, टोल से क्या मतलब है, हमें तो हमारी लड़ाई जो है सरकार से है। तो आप टोल छोड़ के कहीं और भी बैठ सकते थे, कहीं बैठने की, ये तो हाईवे ही है,
और कहाँ बैठे जी बताओ, खेतों में थोड़ा बैठे जाकर। टोल पर कब्जा करने का तर्क क्या है? टोल पर कब्जा नहीं है, टोल तो चल रहा है, टोल तो दो लेन है हमारी बस, तीन तो दो लेन तो ले रखा ना आपने। दो लेन तो लेंगे, क्यों ले रखा है दो लेन? कहाँ बैठे हैं आप बताओ, कहीं जगह दे दो, हम तो वहाँ बैठ। जंगल में खेत है वहाँ तंबू लगा के बैठ जाते हैं, टोल पे क्यों बैठे हैं? खेत में कहाँ बैठ जाएंगे हम, खेत में खेत पूरा खेत। किसान का खेत है, किसान खेत में बैठ सकता है भाऊजी? खेत में नहीं बैठा जाता, ये सड़कों पे बैठा जाओ, कहीं सड़क जाम नहीं कर रखी हमने। अरे सड़क में बैठेंगे गर्मी लग जाएगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, कोविड का मौसम है, वहाँ पर तंबू लगाइए, तंबू में बैठिए। क्यों आप ऐसे टोल पर बैठे हुए हैं? ऐसी नौबती क्यों आन दी सरकार ने जो टोल पर बैठे हैं, ऐसी नौबती ना आन दे। सरकार ने तो नहीं कहा कि आप टोल पर बैठिए, आप अपने मन से बैठे हुए टोल पर। तो हमने भी उनसे कब कहा था हमारे लिए कानून बना कर लिया वो, इनसे पूछिए कानून पता है क्या? ऑर्डिनेंस पास कर दे किसानों के लिए, कानून पता है क्या इन्हें? ये भ्रमित किए हुए लोग, ब्रेन वॉश किए हुए लोग, और जो बड़ी बड़ी बातें करके स्टूडियो में बैठते हैं वहां से भाषण देते थे, वो कहीं नजर आ रहे हैं आपको आज? वो कहीं नजर आ रहे हैं? हर्षा, सबसे ज्यादा कवरेज अगर किसान आंदोलन का किया है तो हर्षा उसमें अग्रणी है। हर्षा क्या स्थिति दिखाइए जरा, और वो इसीलिए मैं मेरे तमाम गेस्ट को रखिएगा स्क्रीन पर रखिएगा, जो परपीत बरार जी कह रही थी ना कि हम सच की बात। मैडम मैं सिर्फ स्टूडियो में बैठ के नहीं कर रही हूँ, वहाँ टीम लगी हुई है, सुबह से जानकारी है मेरे पास, इसीलिए आप तक बात पहुंच रही हूँ और इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ। हर्षा बिल्कुल माधुरी, मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, जेवर टोल प्लाजा पे इस वक्त मौजूद हूँ। तस्वीर देखिए यहाँ पे जो किसान यहाँ पर मौजूद है, और हैरानी की बात ये है माधुरी कि किसी ने भी कोविड नियमों का पालन नहीं किया हुआ है, ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग, और यहाँ पे जितने लोग को बैठने के लिए बोला टिकट ने उतने लोग यहाँ पे आके जम गए। माधुरी सबसे पहले सुबह 7 बजे मैंने यहाँ से लाइव रिपोर्टिंग की थी, और मेरे ये दिखाते ही कि चक्का जाम एक फ्लॉप शो है, किसी चीज़ का पालन नहीं हो रहा है। तुरंत मेरे पास कॉल आना शुरू हो जाता है कि आप एग्रेसिव रिपोर्टिंग करिए, आप हमारे अगेंस्ट दिखा रही हैं, आपका बॉयकॉट होना चाहिए, और तुरंत ट्वीट आ जाता है हमारे खिलाफ की चैनल के बाद धरना देंगे, पर्सनल मैसेज करके ऐसी धमकियां दी जाती है। माधुरी आप ये देखिए, जब से हमने किसान आंदोलन शुरू किया और जब से असलियत दिखाना शुरू की कि आखिरकार राकेश टिकैत के मंसूबे क्या है, तब से हमें पर्सनली टारगेट किया जाता है। अब हम जहां जहां जाते हैं हमें कहा जाता है कि हम आंदोलन स्थल छोड़िए, आप मत आइए, आप गलत दिखाती है। जबकि यहाँ पे इतने लोगों से माधुरी हमने पूछा, किसी को भी एक व्यक्ति को ठीक से नहीं पता है कि पूरा कानून क्या है, MSP क्या है, इसमें पूरे क्लॉज वाइज क्या कहे गए हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। सब बस यही कहते हैं कि राकेश टिकैत जी ने बताया है तो हम यहाँ पर बैठे। और मैं आपको बता दूं माधुरी, देखिए 3 लेन यहाँ पे पूरी तरह से ब्लॉक की हुई है। मैं चाहूंगी कैमरा पर से नवीन दिखा दे, ये पूरी 3 लेन है जो ब्लॉक की हुई है, बाकी लेन चल रही है, और यहाँ पे सारी तरह की आवाजाही बंद कर दी है। तो लोगों को कितनी समस्या हो रही है माधुरी, हमें यहाँ पे रिपोर्टिंग करने बहुत समस्या हो रही है, क्योंकि जैसे हम इनके नजदीक आते हैं ये हमारे खिलाफ हूटिंग करना शुरू कर देते हैं। बयान तो दूर की बात है, ये हमसे कहते हैं कि आप यहाँ से जाइए, आप सच नहीं दिखाती है। जबकि माधुरी हम शुरू से ही वो दिखा रहे हैं जो हमें नजर आ रहा है वहां आंदोलन स्थल में। ब्लैक डे के दिन माधुरी राकेश टिकैत गुस्साए थे, बौखलाए थे, इसीलिए क्योंकि मैंने उनसे सही सवाल पूछा था, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, अगले दिन हंगामा हुआ, हिंसा हुई, भीड़ इकट्ठा हुई, उसका जवाब नहीं था, तो वो ताऊ दिखाने लगे, हम पर गुस्सा करने लगे। और आज भी मैं ये दिखाना चाहती हूँ माधुरी के जेवर में जितने लोग मौजूद हैं, संख्या देख लीजिए, मास्क नहीं है, कोविड नियमों का पालन नहीं है, किसी को कुछ बात पता नहीं है, कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला। भारतीय किसान यूनियन का कोई बड़ा नेता यहाँ नहीं पहुंचे, बल्कि माधुरी यहाँ से गाजीपुर की डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, कोई भी चाहता आराम से यहाँ पे आ जाता, ना धर्मेंद्र मलिक मौजूद है, ना राकेश टिकैत मौजूद है, ना ब्रजेश भाटी मौजूद है, ना पवन खटाना मौजूद है। इसीलिए मास्टर स्वराज, परपीत बरार और RP सिंह, ममता काले जी, चारों जो चारों को साथ में लाइए प्लीज स्क्रीन पर। मास्टर स्वराज सर, ये तस्वीर आपने देख ली होगी, अब ये फ्लॉप शो एक और है, ऐसा ही कुछ रेल रोको किया था, ऐसा ही कुछ सड़क पे प्रदर्शन की बात कही थी, ऐसा ही कुछ ब्लैक डे में हुआ था। सर किसान भी आपकी बात नहीं समझ रहा ना, उसको लग रहा है कि अब उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि कुछ चंद लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएं, उनकी मंशाएं पूरी हो जाएं, उनका मकसद पूरा हो जाए, बाकी तो ऑप्शन क्या है? सरकार से बातचीत ही जरिया है ना, वो तो पूरा नहीं हो रहा। जी मैडम, सरकार से बातचीत के लिए हमने भी लेटर लिखा है, ट्वीट भी किया है प्रधानमंत्री जी को। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं, हम सबसे कमजोर तबके का नेतृत्व कर रहे हैं, हम जो सौतेली माँ का बेटा आज तक समझा गया उसका नेतृत्व कर रहे हैं, हम भी सौतेली माँ के बेटे हैं। आंदोलन कार्यक्रम में तो किसान और सबसे कमजोर, किसान और सबसे कमजोर, यही तो प्रॉब्लम है सर। ऐसा ही वहां भाषण जाकर आप लोगों को देते होंगे कि हम तो सबसे कमजोर वर्ग हैं, सबसे कमजोर वर्ग हैं, किसान सबसे कमजोर है इस देश में।
जो देश जय जवान जय किसान को साथ रखता हो वो देश में किसान कमजोर है। ये आपकी मानसिकता है जो आप थोपते हैं, जो थोपते हैं आप लोगों पर। आरपी सिंह को लाइए, ममता काले को लाइए। ममता काले जी किसान कमजोर वर्ग है, ये सोच है इनकी, यही मानसिकता है और इसी को हजारों किसानों के बीच में जाकर कहते होंगे। बिल्कुल, असल में माधुरी जी आपने जो जय जवान जय किसान का नारा अभी दोहराया है ना, वो इनके लिए नारा है। आप जैसे, मेरे जैसे, आरपी भाई जैसे लोगों के लिए, हम सब के लिए हमारे जीवन का मूल मंत्र है और हम लोग इस बात पर विश्वास करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आज अगर जो रोटी हम खा रहे हैं, जो अन्न हम खा रहे हैं, वो हमारे अन्नदाता की वजह से खा रहे हैं और हमारा अन्नदाता हमारे रहते हुए कभी कमजोर नहीं हो सकता है। लेकिन मास्टर शिवराज जी तो बोलेंगे हम कमजोर है। कमजोर मास्टर शिवराज जी, आप लोगों के जो इरादे हैं ना वो खतरनाक हैं और उन खतरनाक इरादों से आप लोग किसानों की जो इमेज है उसको कमजोर और खराब इस देश के अंदर करना चाह रहे हैं। ये जो खतरनाक खेल चल रहा है जेवर में, आप लोग बताइए ये कोई तरीका है? जाकर के आप टोल प्लाजा को ब्लॉक करके बैठ जाएंगे, वहां पर आपकी कौन सी समस्या का समाधान हो रहा है? मैं तो ये कहती हूँ इस पूरे के पूरा जो ये आंदोलन चल रहा है, और जब ये टोल प्लाजा, सड़क प्रदर्शन, ब्लैक डे यही करना है प्रेम जी, तो ये सरकार को चिट्ठी लिखने का नाटक क्यों करते हैं? देखिए माधुरी जी, इस देश में जो संघर्ष कर रहा है वो देश का दुश्मन है, जो सत्ता की दलाली कर रहा है वो देशभक्त। यही नई परिभाषा सामने आई है कि देशभक्त वही है जो सत्ता की दलाली करे, जो संघर्ष करे, आंदोलन करे, वो देश विरोधी है। अरे महेंद्र सिंह टिकैत को डकैत बोलना, ये कौन सी पत्रकारिता है भाई? ये कौन सी पत्रकारिता? उनको डकैत कहाँ बोला है? उनको कहाँ डकैत बोला है? सर आप तो इतना अच्छा भाषा शब्द सब समझते हैं, मैंने तो टिकैत के डकैत लिखा है। हाँ तो टिकैत, टिकैत को डकैत नहीं, टिकैत को डकैत नहीं लिखा है सर। यही तो प्रॉब्लम है ना, यही प्रॉब्लम है। जो आप समझे वैसा आप लोगों को समझा दें, लेकिन मेरे कहने का मतलब वो नहीं है जो आप समझे, सिर्फ जो सिर्फ आप समझते हो। प्रियंका वाड्रा के ट्रैक्टर पे बैठकर नेतागिरी भी करते हैं, बड़ी बड़ी महापंचायत भी प्रियंका वाड्रा के साथ जाकर करते हैं, वो बहुत बड़े किसान नेता है, मान लेता हूँ मैं आपकी बात। परंतु ये बता दीजिए लोगों की जान के साथ खेलकर कौन सी नेतागिरी है? लोगों की जान के साथ खेलकर कौन सी नेतागिरी है? आज पंजाब और हरियाणा में 21,000 लोगों की मौत हो गई है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, पंजाब के एक और मंत्री है वो कह रहे हैं सिर्फ भाजपा की, पंजाब में जो कोरोना फैला उसका एक बड़ा कारण ये किसान है। मैं नहीं कह रहा समस्या ये है कि जो पुलिस कह रही है वो भी आप नहीं मानेंगे, जो सरकार कह रही थी वो भी आप नहीं मानने देंगे, जो आपको करना था, जो उन लोगों को करना था जिनकी सिर्फ और सिर्फ सियासी मकसद थे, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करनी थी, उन्होंने वो किया। छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ लेकिन फिर सुन लीजिए, जो टोल पर कब्जा करेगा वो डकैत, जो हिंसा करेगा वो डकैत, जो लाल किले को बंधक बनाए वो डकैत ही कहलाएगा। इसीलिए आप वो समझिए जो सच है, और सच दिखाने से डरती नहीं हूं। आप चाहिए ट्वीट करें, आप लोगों को मेरे ऑफिस के बाहर धरना देने भेजे, चाहे कुछ कर लें, लेकिन सच जो है वो तो दिखाऊंगी। छोटा सा ब्रेक, डिबेट लगातार जारी। जी हिंदुस्तान सच्चाई दिखाए तो टिकैत हमें डराए, ये कैसे चल सकता है उस देश में जहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की दुहाई दी जाती है, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई तो हमारी टीमें लगातार वहां मौजूद थी, जो सच था वो हम सूचना के जरिए आप तक पहुंचा रहे थे। लेकिन जब उस सच्चाई में उनकी मंशाएं दिखने लगी तो फिर उन्हें दिक्कत होने लगी कि आप ऐसा क्यों दिखा रहे हैं। आज टोल टेरर है, कल कुछ और होगा, लेकिन देश में विदेशी फंडिंग के जरिए अगर साजिश और षड्यंत्र रचा जाएगा, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो फिर कोई भी चुप नहीं रहने वाला और हम तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। इसीलिए शायद आपके ये ट्वीट्स, ये धमकी भरी बातें, ना तो हमें कोई इससे फर्क पड़ता है और ना कभी पड़ेगा। हम सच दिखाते आए हैं, दिखाएंगे। आप चाहे
मेरे दफ्तर के बाहर धरना दीजिए, मेरे घर के बाहर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले हितेन मेरे साथ एक टोल प्लाजा से जुड़े हुए हैं। हितेन, क्या तस्वीर है आपके पास, क्योंकि सुबह से इस शो को फ्लॉप कहा जा रहा है। बिल्कुल माधुरी, देखिए अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो लाल किले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये वही लाल किला है जो 26 जनवरी को इस लाल किले को जो है पूरी तरह बंधक बना दिया गया था, और साजिश ये थी कि प्रदर्शन स्थल इसे बनाया जाए, जैसे सिंगू टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर को प्रदर्शन स्थल बना दिया गया, उसी तरह ठीक एक चौथा प्रदर्शन स्थल लाल किले को बनाने की साजिश थी। ये सब चार्जशीट में लिखा गया है और एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ा जा रहा था। सबसे आगे बुजुर्गों को रखा गया था ताकि पुलिस किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना करे। यही तस्वीर अब भी देखने मिल रही है, जहां जहां सड़कों पर उतरते हैं वहां अब युवाओं को पीछे कर दिया गया है, बुजुर्गों को आगे किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई उनके खिलाफ ना हो। हालांकि अब गुरिला प्लान इन्होंने बनाया है, क्योंकि सरकार के सामने तो अब इन्हें जाना नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो अपना प्रस्ताव देना था, सबसे अच्छा प्रस्ताव देना था, वो दे चुके। सरकार ने साफ कहा था कि अब प्रस्ताव मंजूर है तो ही आप लोग आइएगा, वरना आपके आने का कोई मतलब नहीं है, यस और नो में ही चलते रहेगा। तो उसके बाद इन्होंने अब गुरिल्ला प्लान बनाया, जहाँ जहाँ चुनाव है यानी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन जगहों पर, उत्तराखंड, इन जगहों पर जो है भाजपा नेताओं को, मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को परेशान किया जाएगा, और वहाँ पर भी आगे जो बुजुर्गों को किया जाएगा। ये प्लान के तहत अब जो जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वहाँ होंगे। प्रेम जी, आप तो मतलब बहुत अच्छे से इसको देखते आए हैं, किसान आंदोलन पे मैंने आपने कई डिबेट्स की हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल जब टिकैत पहुंचे थे तो किसी को तुक समझ नहीं आया था वहां तक क्यों पहुंच गए। अब यूपी के टोल प्लाजा तक तो मुझे लगता है वो कड़ी जुड़ जानी चाहिए, पहले पश्चिम बंगाल के चुनाव थे अब यूपी के हैं। देखिए माधुरी जी, आंदोलन का मकसद सरकार को बातचीत के लिए और अपनी मांग को मनवाना होता है, होना चाहिए, तभी तो आंदोलन है। अब सरकार जब नहीं मानने के लिए आमादा है तो वो सारे विकल्पों पर ये आंदोलन देख रहा है, ट्राई कर रहा है, जहां से सरकार पर दबाव डाला जा सके। पश्चिम बंगाल में तो इन्होंने राजनीतिक फतह हासिल कर ली, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में भी वो दिखा है, और विधानसभा चुनाव में भी किसान जो अपनी एकजुटता दिखाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को तो मकसद चुनाव जीतना है ना सर, लंबी लड़ाई मकसद चुनाव जीतना है ना, बाकी सारे टेरर वेरर तो आप आसपास भी नहीं टिकते इनके, मकसद तो यही था। आरपी सिंह साहब देखिए बड़ा स्पष्ट है, मैं वापस बड़ा स्पष्टता से कह रहा हूँ, सारी गेम राजनीतिक है, ये नोट कर लीजिएगा। जैसे यूपी और पंजाब का चुनाव आएगा सबके सब चुनाव लड़ेंगे, वो राज्यवाल हो, वो उग्रा हो, वो चुरुड़ी हो, सबके सब चुनाव लड़ने की तैयारी करें और चुनाव लड़ने के पक्ष में है, वो टिकायत हो और कोई दिक्कत नहीं। हम तो ये राजनीतिक आदमी है, राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर प्रियंका वाड्रा के साथ ट्रैक्टर में घूम सकते हैं तो बड़ा स्पष्ट है राजनीति कर रहे हैं। नहीं नहीं, चुनाव लड़ना गुनाह नहीं हो जाएगा सर, चुनाव लड़ने के लिए किसानों को भ्रमित करना, उनका ब्रेन वॉश करना, उनको लाखों और हजारों की उनको फंडिंग के इस्तेमाल करने में उनको गुमराह कर देना, उनको इतने दिनों तक सड़कों पर बिठाए रखना, ये गुनाह है, ये गुनाह है। सरकार ने खरीदी करी क्या? सरकार ने पिछले साल से ज्यादा खरीदी करी एमएसपी के ऊपर, किसान की जमीन गई है पिछले 6 महीने में, परंतु आपको तो राजनीति करनी है, आपके सारे नेता को छोड़ना। अच्छा ये बात छोड़ो, आपके आपके सुनो, राजीव गांधी कहा है सर, प्रेम जी मीडिया नहीं डर रहा है, मीडिया नहीं डर रहा है, मैं तो बार बार कह रही हूँ मुझे इनकी थ्रेट से डर नहीं लगता। ये मेरे घर के बाहर धरना दे, मेरे दफ्तर के बाहर दे, कहीं पे भी दे दे, मुझे कोई डर नहीं लगता सर, क्योंकि मुझे इस देश की व्यवस्थाओं पर भरोसा है, मुझे इस देश के सिस्टम पर भरोसा है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। प्रेम जी मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर सच दिखाएंगे तो ये इतनी गिरी हुई बात भी लिख देंगे कि हम आपके घर के बाहर, आपके दफ्तर के बाहर धरना दे देंगे। एक पंक्ति सुनिए, धरना यही ऑप्शन है इनके पास, नहीं होता है यही ऑप्शन है इनके पास। आंदोलन एक एक लोकतंत्र में हथियार है, अगर किसान धरना ही करेंगे बढ़िया सर बढ़िया। प्रेम जी आप ही कह रहे थे ना उस दिन कि लाल किले पर गोली चला देती पुलिस, क्या फर्क पड़ जाता। ममता जी याद है आपको, याद है वो डिबेट, याद है जब प्रेम जी कहकर निकल गए थे कि अरे चला देते ना गोली, ये आप प्रवोक करने की चीज है, प्रवोक करने की बात है, ये उकसा दीजिए, थोड़ा उकसा दीजिए शासन को। बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से याद है माधुरी जी, पूरी अच्छी तरह से याद है, एक एक डिबेट याद है,
और प्रेम जी ने तो अभी बड़े बड़े खुलासे कर दिए, बड़ी बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। एक उन्होंने बोल दिया है क्या फर्क पड़ता है अगर राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि प्रेम जी ने बोल दिया है कि ये किसान आंदोलन किसानों का हित तो बहाना है, यूपी का चुनाव निशाना है, यानी कि टिकैत बाबा को चुनाव लड़ना है इसलिए किसानों के का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा इन्होंने अरे अरे प्रेम जी सुन लीजिए, आपने इतने बड़े बड़े ब्रेकिंग न्यूज दे दी है, आपने सच बोल दिया है कि पूरे किसानों को गुमराह किया जा रहा है, उनके कंधे पर रख के बदलू से नहीं जा रही है। हमारे सांसद ने कहा था बिट्टू ने कि वहाँ खालिस्तानी है, मैंने नहीं कहा था, आपके सांसद है बिट्टू वो कहते हैं कि वहाँ खालिस्तानी है। किसान प्रधानमंत्री बन रहा है, किसान प्रधानमंत्री बना, चरण सिंह हो, सारे लोग किसान रहे। अरे तो आप एक काम कीजिए ना, चुनाव की एक पार्टी एक राजनीतिक पार्टी बना दे ना, एक अलग से नई राजनीतिक पार्टी बना दे, उसके तत्वाधान में चुनाव लड़े। किसानों को क्यों किसाना बनाया जा रहा है, हमारे किसानों को किसानों को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, किसानों के नाम को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, लोगों को क्यों मरवाया जा रहा है। मास्टर स्वराज जी, सर किसान नेता कौन है असल में, कौन है? किसानों का हित तो है नहीं, विधानसभा चुनाव लड़ना है क्या, यही मंशा है तो अलग पार्टी बना दें, बता दें अपनी मंशा, किसानों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? नाम लेते हो तो दो शब्द बोल ले दिया करो, मैं बोलता हूँ शुरू होता हूँ बीच में आप फिर बोलने नहीं देते। मैं ये कह रहा हूँ जो किसान नेता है जिन्होंने मास्टर स्वराज पूरी बात रखिए सर, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। मैं ये कह रहा हूँ जो किसान नेता हैं उनके नसीब में सिर्फ सरकार की पुलिस की गोली खाना, आंसू गैस के गोले झेलना, लाठी झेलना, पानी की फुहारें झेलना, मुकदमे झेलना, बिल्कुल झूठ चौरा जी, बिल्कुल झूठ। यहाँ बैठ कर ये सब मत करिए, नेशनल टीवी पर जो आप बोलते हैं लोगों पर असर पड़ता है, प्रभावित होते हैं लोग उससे। कभी किसानों को कमजोर कहते हो, कभी किसानों को सरकार के खिलाफ भड़काते हो, क्या कर रहे हो शौरा जी आप? शौरा जी आपके किसान नेता जो है ना, जो किसानों के नाम पर दलाली कर रहे हैं, उन्होंने SHO के हाथ काटे, तलवारें चलाई पुलिस वालों पे, पुलिस वालों के पीछे ट्रैक्टर भगाए, पुलिस वालों को डंडों से मारा, और कौन सा ऐसा किसान है जिसको पुलिस ने मारा, बताइए आप, झूठ बोलेंगे आप? अरे ममता बहन, मैं अगली बात कहता हूँ, अरे सुनिए मैं अगली बात कहता हूँ, इसे पूछो चुनौनी और राज्यवाल, अरे सुनिए सुनिए, अरे सुनो, चुनौनी और राज्यवाल दोनों के दोनों बिचौलिए है या नहीं है, दोनों के दोनों आरती है या नहीं है, और बड़े बड़े आरती है वो, सारी बात तो यहाँ हो रही है दिक्कत। मैं कह रहा हूँ राज्यपाल चौधरी दोनों आरती हैं, बताइए कहाँ से किसान हो गए वो, और जो कहाँ ठहरे थे राज्यपाल, 3 साल होटल में ठहरे नहीं ठहरे थे, क्यों ठहरे थे किसानों के बीच में, क्यों ठहरे, कितने लाख का बिल दिया, किसने दिया बिल वो? नहीं उसका जवाब तो उसका जवाब तो मास्टर शिवराज आप दीजिए जरा। नेता के नसीब में फटे कपड़े पहनना, रूखी रोटी खाना, बासी रोटी खाना, प्यासे रहना, ये तो है किसान और किसान नेता के नसीब में। आप आरती हो वो ना किसी होटल के कपड़े पहनता। अरे शिवराज जी आप ना एक्सपोज हो रहे हैं, और आप जैसा जैसा अपनी बात रख रहे हैं वैसे एक्सपोज हो रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ पहले दिन से कि किसान भाई अपनी मांगों को लेकर कभी लाल किला पर नहीं चढ़ेगा, किसान भाई पुलिस पर ट्रैक्टर नहीं चलाएगा, किसान अन्नदाता है और उसको सब सराखों पर बिठाते हैं। उनकी मांगों को रखने का तरीका सरकार से बातचीत के जरिए हो रहा था, लेकिन उसके अंदर अपनी मंशाओं को किसान नेताओं ने ढूंढा, सो कॉल्ड तथाकथित किसान है तो क्यों नहीं नकली कहूं उन्हें, नकली किसान क्यों नहीं कहूं? टोल पर कब्जा जमा देंगे, हिंसा करेंगे, महिलाओं को छेड़ेंगे, वो किसान हो सकते हैं? लाल किले को बंधक बना देंगे, तिरंगे को हटा देंगे, सुरक्षा भी किसान का बेटा करता है, आतंकवादी की और दुश्मन की गोली भी सीने पर किसान का बेटा करता है। और आप जैसे मास्टर शिवराज जी सुन लीजिए सर, लगातार किसानों के बीच जाकर आप ये समझाते होंगे कि हम कमजोर वर्ग हैं, हमें हमारे नसीब में गोली लिखी है, आंसू गैस के गोले लिखे, ऐसा है नहीं इस देश में, ऐसा है नहीं इस देश में, भारत जैसे देश में किसान स्वतंत्र है, तभी आज टोल पर भी बैठा दिया आपने उनका ब्रेन वॉश करके, उनको भ्रमित करके। लेकिन आपके ये सारे शोज फ्लॉप हैं, आपके ये सारे शोज फ्लॉप हैं, आपकी असली मंशाएं मैं दिखा रही हूं, तभी आप लोग इस तरह के ट्वीट करते हैं कि हम आपके दफ्तर के बाहर धरना देंगे।
ना तो आपके धरने से कोई डरता, ना आपकी धमकी से मैं डरती हूं, ठीक है सर? आप ये समझ जाइएगा कि 60 दिन तक लगातार कवरेज की है मैंने और मेरी टीम ने, और तभी कह रही हूं कि असली किसान वहां पर जो मांग लेकर आया था उसको भी मैंने ताल ठोक के दिखाया, और जो वहां नकली किसान घुसकर वहां देश के खिलाफ, देश की अस्मिता के खिलाफ था, उसको भी बेनकाब किया और आगे भी करूंगी। और इसीलिए आप जैसे लोगों से विनती करती हूं सर, ये विनती कर रही हूं, क्योंकि आप कई किसानों को प्रभावित करते हैं, उनके परिवारों को प्रभावित करते हैं। कम से कम जय जवान जय किसान के इस नारे के साथ, इस मूल मंत्र वाले देश में किसानों को भ्रमित मत कीजिए। बाकी किसी मीडिया चैनल से आप ये कहें कि धरना देंगे या धमकी देंगे, मैं नहीं डरती, मेरा चैनल हमेशा सच दिखाएगा और आगे भी दिखाऊंगा। बहुत बहुत नमस्कार। सुशांत की मौत का राज, सांसद से बदतमीजी, गहलोत राज के गुंडा वायरस। मेरा राज मेरा देश देखिए हमारे साथ शाम 6:57 पर जी हिंदुस्तान पर। जिनपिंग की टॉर्चर फैक्ट्री में कितनी जिंदा कब्र, चीन में मुस्लिमों का यातना कैंप, सुपर एक्सक्लूसिव वंदे मातरम मेरे साथ शाम 7:57 पर। हर धोखे में टिकैत का मौका मौका, टिकैत का T4 प्लांट डीकोड, देखिए राष्ट्रवाद 8:57 पर मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ जी हिंदुस्तान पर।